चाहते हैं कि इनके लड़ाई होने चाहिए, दुनिया इनका उधर चाहिए, दुनिया उधर चाहिए, हमारी लड़ाई होना चाहिए। एक में दो में ये बहुत वहाँ से देखा तो अलग आया, तो कोई प्रतिनिधि, जो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे वहाँ कोई आया नहीं। तो जैसे ही हम लोग आए यहाँ पे, बोले कि भाई कुछ आना चाहिए, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कि उनका काम है। उसके बाद जैसे हम लोग आए कि भाई अभी नहीं कुछ होगा तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, क्योंकि 2018 में बना था ना, या उद्घाटन हुआ था। तीनों बाप बेटे यहाँ बहुत मेहनत करते हैं, बाथरूम चलाते हैं और साफ सफाई करते हैं, और बीएमसी को वो लोग ने कंप्लेन भी किया कि बाथरूम साफ किया जाए, लेकिन बीएमसी ने अमाउंट की डिमांड किया, पैसे की डिमांड किया कि 5,000 दोगे तो हम साफ करा के देंगे। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताजा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज मैं अंबुजवाड़ी कारगिल एरिया में आया, जहाँ पर दो दिन पहले दो जवान लड़कों की मौत हो गई थी, जो शौचालय साफ करते हुए। ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीएमसी से उन्होंने पहले लेटर लिखा और उनसे साफ सफाई करने के लिए कहा, तो उनसे 5,000 रुपया मांगा गया, लेकिन उन्होंने खुद जब साफ सफाई करने के लिए उतरे तो ये हादसा हो गया। एक परिवार के दो लड़कों की जान चली गई है, और बहुत ही अभी बताया जा रहा है कि बाप की भी जान चली गई। इतना बड़ा हादसा हो गया है, इसका पूरा जिम्मेदार बीएमसी को ठहराया जा रहा है। कहा जाता है कि बीएमसी सबसे भ्रष्ट जो वार्ड माना जाता है, पी नॉर्थ का वार्ड माना जाता है, सबसे भ्रष्ट वार्ड माना जाता है। वो कोई काम नहीं करती है, बस उसके ऊपर जो आरोप लगता है वो लेन देन का ही आरोप लगता है। तो इतना बड़ा हादसा होने के बाद एक परिवार पूरा उजड़ गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो उनके परिवार में जो है लोग बचे, वो उनके लगातार दारू कतार रो रहे हैं। हमारे साथ कामगार यूनियन के अखिलेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये पूरा हादसा कब हुआ और इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? हादसा तो तीन दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहा है कि जो हादसा हुआ किसी चैनल के माध्यम से, और कुछ लोगों ने फ़ोन किया हमको भी, मैं बाहर था क्योंकि हमारा बिक्रोली में भी काम चल रहा है यूनियन का, मैं वहाँ गया था। तो आज फिर आया वहाँ से, देखा तो अलग आया, तो कोई प्रतिनिधि, जो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे वहाँ कोई आया नहीं। तो जैसे ही हम लोग आए यहाँ पे, बोले कि भाई कुछ आना चाहिए, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कि उनका काम है। अभी बताया जा रहा है कि सांसद जो अभी, उसके बाद जैसे हम लोग आए कि भाई अभी नहीं कुछ होगा तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, क्योंकि आंदोलन करके इस बस्ती को बसाए तो अपना हक के लिए उनको भी हक दिलाने के लिए हम आंदोलन करेंगे। तो लोगों को लगता है, उनके कार्यकर्ता लोग फोन किए होंगे, खबर मिली तो सभी प्रतिनिधि लगभग आ ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात आ रहे हैं, उनको आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। और जो सामाजिक मदद है, जैसे बीएमसी जो बोल रहे हैं ना, बीएमसी की जवाबदारी, सारी जवाबदारी तो बीएमसी की है, क्योंकि काफी दिनों से वो शौचालय बंद था, दूसरा भी शौचालय बंद था शायद, वहाँ पे अभी बंद हुआ तो वो चालू करने के लिए लोगों ने प्रयास किया कि भाई वो बीएमसी को शायद पत्र दिए थे, लेकिन अभी पत्र हमको मालूम नहीं है, पूरी जानकारी अंदर से नहीं, क्योंकि जो जानकारी देने वाला तो वही नहीं, सारा कार्य वही करते थे पत्र वगैरह डालने के लिए, और जो भी अगर पत्र रखे हैं तो अभी सब उनके घर की स्थिति ठीक नहीं है, सब रो रहे हैं, तो उसमें अपने लोग जानकारी नहीं पूरा हासिल कर पा रहे हैं, पत्र डाले थे वो, पत्र भी कुछ पत्र मिला है पहले का, कि उन्होंने मांग किया था कि बाथरूम बनना चाहिए और चालू होना चाहिए, तो उसमें भी शायद सोसाइटी की तरफ से इनके वो बाथरूम चलाने के लिए उनको कार्यभार मिला था तो बंद हो गया था। तो वो जब कुछ लोगों का कहना है, वो लोग बता रहे हैं कि भाई हम वो गए थे वहाँ बीएमसी में बोलने के लिए कि आप उसका साफ सफाई करो, चालू करना है, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों को बहुत दिक्कत हो रही है, बाथरूम खुले में जा नहीं सकते, क्योंकि पहले जैसा अभी जंगल वो रहा नहीं, क्योंकि बाउंड्री हो गई है, खुले में नहीं जा सकते, ज़्यादातर लोगों के घर में बाथरूम है नहीं, तो वो खुद ये करके गए थे वहाँ पर, लेकिन बीएमसी ने शायद सुनने में आया कि 5,000 रुपये मांग रहे थे, कई लोग बताए भी कि वो रामलगन जी बता रहे थे कि 5,000 मांगा, इसलिए वो खुद गए। किस चीज़ का पैसा मांग रहे थे? 5,000 साफ सफाई करने के लेकर के वो गए थे, लेकिन यहाँ के लोग अभी आया मैं तो मुझे भी मालूम पड़ा कि लोग बताने लगे कि वो वहाँ बीएमसी में गए थे, पत्र डाले थे, अभी पत्र तो अपने को मिला नहीं है, लेकिन मौखिक रूप में लोग बता रहे हैं कि भाई 5,000 बीएमसी मांगी थी। ऐसा तो आरोप बहुत सारा, बीएमसी तो भ्रष्ट ही है, बीएमसी अगर काम बाथरूम जो है बंद कई सालों से है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि बीएमसी कल की आज शायद कुछ नोटिस भी लगाया, और कल नोटिस भी लगाया, लगा तुरंत फोटो लिया और निकाल ले गया, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फोटो इसलिए उन्होंने लगाया कि वो पहले का दिखा रहा है कि भाई हमने तो बाथरूम बंद किया था, चालू नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे अंदाजा लग रहा है कि उनका ये मनसा होगा। उसी तरह से बीएमसी अपना जो है कला दिखा रही है कि हमारे ऊपर कोई जवाबदारी नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये जवाबदारी बीएमसी को लेना पड़ेगा। मैं जहां तक हमारा ये है कि कम से कम आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा कि उनके घर को मुआवजा मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा,
कम से कम 10-10 लाख रुपए मुआवजा तो सर मिलना ही चाहिए, मुआवजा तो उनका हक बनता है, लेकिन मुआवजे से किसी परिवार को जो तसल्ली दी जाती है वो कभी नहीं मिलेगी। एक परिवार के 3 लोग मर चुके हैं, कितना बड़ा सदमा जो उनके अभी घर में कौन कौन और कौन कौन अभी उनके घर में एक 16-17 साल की बच्ची है और एक 8-9 साल का लड़का है। तो हमारा यही मांग है कि कम से कम बीएमसी उसको नौकरी पे रखे, किसी को एक बच्ची को, या तो लड़की को या तो उसके घर को किसी भी एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हम लोगों की यही मांग है। अगर आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई, संसद भी आए थे पूरा, भी और भी जो प्रतिनिधि नगर सेवक थे वो भी आए थे, और काफी ऐसा अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग, अलग अलग पार्टी के लोग आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनको कुछ लोग मदद करनी चाहिए। वो लोग भी मांग करना चाहिए कि उनको सरकारी कोई सुविधा मिलना चाहिए, उनको कोई नौकरी उनके परिवार को मिलना चाहिए। आगे कैसा ये होगा उनका जीवन चले, क्योंकि लड़की की शादी होगी, फिर घर चलाना है, कौन करेगा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा। अगर जल्दी कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ये जो शौचालय बना है उसको बंद क्यों किया गया, बंद क्यों रखा गया, क्यों नहीं उसको चालू किया? बंद तो अभी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, खाला है वो बताएंगे यहाँ के। अच्छा, खाला ये मतलब हादसे से पहले शौचालय खुला था, लोग जाते आते थे, सब जाते थे, बीएमसी का आदमी बैठता था? बीएमसी का नहीं बैठता था, इन्होंने जो बाबा का इंतकाल हुआ, जो बच्चे रहे हैं यही लोग उसको संभालते थे और यही उसमें काम करते थे। उन लोगों ने बीएमसी के लिए जो भी बोला, साफ सफाई के लिए बोले साफ सफाई करें और हमारे जो कचरा उसे साफ करें, तो उन्होंने इंक्वायर कर दिया था, आए नहीं थे सफाई करने के लिए, तो ये लोग खुद ही करने के लगे। सफाई करी ना, तो सफाई करी तो अंदर के अंदर ही रह गए। अब किसी ने ध्यान नहीं करा, एक लड़का जो चौथा था, वो चौथा लड़का भी अंदर चला गया था, उसे देख लिया पब्लिक ने, उसे निकाल लिया और ये तीनों अंदर चले गए। जब उसको निकाला तो उसने बाहर आकर ऑल मचाई, बोले 3 अंदर आदमी चले गए। फिर हमारी जनता गई, जनता ने जाकर उनको निकाला। फिर हमने वहां कॉल करे, बीएनसी में कॉल करे, पुलिस वालों को कॉल करे, इनको क्या बोल रहे हैं, फायर ब्रिगेड वालों को करे, तो कुछ कम ही थे, 2-3 घंटे के बाद वो लोग आए। इतना हमारी जनता ने उनको निकाल लिया, जितनी मेहनत हुई हेल्प हुई उन्होंने सबने निकाला। हमारे 4 आदमी, जैसे कि मेहंदी होया और तुम्हारा अलग अलग क्या 4 नाम थे, आतिफ हुआ और क्या वाहिद हुआ, ये 4-5 जुनेद हुआ, 4-5 इंसान घुसे और घुसने के बाद उनको निकाला। ये हादसा जब हुआ, जब बाहर निकाल लिए, जब जनता ने इकट्ठा करा, इकट्ठा करने के बाद जनता उन्हें गाड़ी में डाल के लेके गई। अब उसका ये प्रॉब्लम जो भी होया है जाके बीएनसी में, अपना सदाब जी ने, वो अल्लाह बेहतर जाने। 3 दिन हो गए आज, तो 2 दिन से तो बच्चों का इंतकाल हो गया था और रात 3 बजे के टाइम बाबा का इंतकाल हुआ, तो उनका घर नष्ट हो गया एकदम। उसके लिए हमें कुछ ममता उसकी चाहिए, क्यों जो कुछ उसको देने, या तो बच्ची को नौकरी दो, या क्या कहें, उसका कोई भी खानदान में से उसको कोई भी सर्विस बीएनसी को देनी चाहिए। जो गरीब इंसान परेशान रहे, क्यों उसका कोई नहीं है, उसकी दुनिया लुट गई, कोई उसका नहीं है। 9 साल का बच्चा वो क्या करके खिलाएगा, कुछ नहीं है उसके लिए। तो इस बात के लिए हम बीएनसी से कहते हैं हमें मदद चाहिए। पूरे परिवार में 9 साल का एक बच्चा और एक लड़की है। हाँ, पूरे परिवार में उनकी बहन है और माँ है। माँ है, एक 16 साल की लड़की है और 9 साल का बच्चा है, और एक लड़का है, लड़की है। लड़की 16 साल की लड़की है और 9 साल का लड़का है, और जो क्या कहें, 22 साल का लड़का था उसका इंतकाल हो गया, जो 18 साल का था उसका हो गया, और 45 साल का जो बाबा था उनका इंतकाल हो गया रामनगर का। तो बच्चों का नाम बताइए जो बच्चों का इंतकाल हो गया। बच्चों का एक का नाम है सूरज केवट और एक विकास केवट। सूरज केवट और विकास केवट के पिताजी की भी डेथ हो गई। हाँ, पिताजी पिताजी की राम लगन केवट, राम लगन केवट, और तीनों का इनका निर्धन हो गया। उस बात की हम कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, क्यों हमारे बच्चे। इतना बड़ा हादसा हो गया है, यहाँ पर जो जितनी जिम्मेदारी है बीएमसी की बताई जा रही है, तो बहुत ही शर्म की बात है कि परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो उनके परिवार में जो बचे हैं, उनकी माँ है, उनकी बहन है, 16 साल की, 9 साल का बच्चा है, तो उसकी पूरी देखभाल बीएमसी के ऊपर उसकी जिम्मेदारी आती है। और ये भी मांग की जा रही है जो लड़की है उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, और ये परिवार का जो दुख है वो तो वो कभी दुख को खत्म नहीं कर सकते। ये मुआवजा तो जो रकम है उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व बनता है कि वो मुआवजा इन परिवार को दिया जाए, वो भी जल्द से जल्द दिया जाए। क्या कहना है आपको, जल्द से जल्द दिया जाए? जल्द से जल्द आज ही, मतलब हम लोगों का यही कहना है कि आज के आज पत्र रिसीव हो और वहां से कुछ खबर आए कि भाई हम तैयार हैं जवाबदारी लेने को, कि बीएमसी की जवाबदारी बीएमसी की लापरवाही से हुआ है, अन्यथा अगर वो जवाबदारी बीएमसी नहीं लेती है तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और यहाँ पे बैठेंगे जब तक के मुआवजा नहीं मिलता है, और जब तक उसके ऊपर जवाबदारी वो बीएमसी नहीं लेती है कि हादसा बीएमसी की वजह से हुआ है, और सरकारी नौकरी अगर उनके परिवार को नहीं देता, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई लोग यहाँ पे कहने वाले, आप पहचानते थे उसको, विकास को? और क्या करता था लड़का, क्या करता था, पढ़ता था, पढ़ाई करता था? दोनों बच्चे पढ़ाई करते, दोनों लड़के पढ़ाई करते थे। कितने पढ़ते थे? एक 12वीं था, 10वीं में था। 12वीं में था, 10वीं में था, यानी पूरे जो काम, जो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालना,
का जो काम था पिताजी पे और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे आगे चल के अपना भविष्य बना सकते थे, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी दो बच्चों और पिताजी पे थी, अब उनका परिवार ही नहीं है। बहुत ही दुख की बात है। इसके ऊपर बीएमसी और सिर्फ बीएमसी के ही नहीं, जो बड़े बड़े नेता जनप्रतिनिधि है उनको भी इन परिवार का ख्याल रखना चाहिए, और जो लड़की है उसको अच्छे से अच्छी नौकरी सरकारी मिलना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों की मांग है। और जो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा परिवार, पूरे लोग, ये पूरा एरिया गम में डूबा हुआ है। इतना बड़ा हादसा, आदमी का सपना हो जाए कि दो एक ही परिवार के तीन लोग यहाँ पर मर चुके हैं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जो यहाँ पर जो जायज मांगे हैं यहाँ की जनता की, कि उनको मुआवजा दिया जाए और जो लड़की है उसको सरकारी नौकरी दिया जाए। हमारे चैनल को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वड़ा पाव, समोसा पाव ये बेचते थे। तो दर्शकों, कारगिल एरिया में हम लोग मौजूद है, अम्बुजवाड़ी, जहाँ पर असल, और ये जो पीछे आप दुकान देख सकते हैं, दुकान दिखाओ, ये दुकान उस परिवार की है, सूरज केवट और विकास केवट, और उनकी जो यहाँ पर हादसे में मौत हो चुकी है, यही दुकान थी। और जो एरिया है जहाँ पर हादसा वो बताते आइए, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कचरा जो पड़ा हुआ है, पर कोई स्वच्छ भारत दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ जबकि इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पर बीएमसी को काम करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, लेकिन पूरा कचरा रोड पर पड़ा हुआ, बहुत ही बदबू आ रही है। तो ये बीएमसी को ध्यान देना चाहिए। बीएमसी के ऊपर लगातार पार्टियों के मोर्चे निकलते रहते हैं, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तरह तरह के मुद्दे को लेकर, जैसे रोड, सड़क, कचरा, पानी का टाइमिंग, बहुत से मुद्दे को लेकर हमेशा मोर्चे निकलते हैं। मोर्चे दिन में निकलते हैं, बाद में वो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो फिर खत्म हो जाता है, ना मोर्चा रहता है, ना फिर समस्या जैसी की वैसी ही रहती है। ये कचरा आप देख सकते हैं कितना कचरा है। बीएमसी इतनी भ्रष्ट माना जाता है, पी नॉर्थ की जो बीएमसी है इसको बहुत ही भ्रष्ट माना जाता है, ना साफ सफाई करती है, ना रोड के गड्ढे को देखती है, ना फुटपाथों को देखती है। फुटपाथ पूरे घेरे हुए रहते हैं, इंक्रोचमेंट रहते हैं, एक दो दिन की कार्रवाई दिखावे के लिए करती है, लेकिन बाद में सब समस्या झुकती रहती है। ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे कचरे की हो, किसी भी चीज की हो, ये कंडीशन अभी दिखा रहे हैं आपकी, देख लो मुतरी की कंडीशन दिखा दो, पूरी कंडीशन बीएमसी की है, देख के बाथरूम है। तो भाई ये बताया जा रहा था कि बीएमसी ने बंद करके रखा था लोगों के लिए। क्या नाम है आपका? बलिराम। बलिराम जी, आवाज दूर से ना, आजा आजा बुला उसको। इधर आ, इधर आ, सब दिखा, बताया जा रहा है, इधर आ जा भाई, इधर इधर आ जा। गाय मरी थी, भैंस पीछे मरी थी, कैसे मर गई थी? ओवरफुल में गिर के, टांकी खुला था वो पहले। अच्छा अच्छा, एक और बीएमसी की लापरवाही आपको बताना चाहता हूँ। इसके पहले यहाँ पर ये जो टांकी खुली थी शौचालय की, वहाँ पर एक भैंस गिर कर मर चुकी थी। ऐसे कितने ही करप्शन आप देखेंगे बीएमसी के लापरवाही से होते रहते हैं। और आप जो बता रहे थे, ये जो शौचालय है यहाँ, जैसे कि अभी बताया जा रहा है, यहाँ पे लेटर लिखा लगाया गया, नोटिस लगाया गया कि ये शौचालय बंद था, ये यूज करने के लिए नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों से क्या कहते हैं वो जानते हैं, क्या क्या कहने चाहते हैं? शौचालय बंद था भी नहीं सर, शौचालय बंद नहीं था, शौचालय चालू था, शौचालय चालू था। बीएमसी की तरफ से कुछ कहा गया था कि बंद हो गया? नहीं नहीं, बीएमसी की तरफ से कोई नोटिस नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं थी। तो ये ऐसे खुला था या कोई देखभाल करता था बीएमसी का? एक दो आदमी होता था, हमारा वही देखभाल करता था। नाम क्या था? राम लगन, राम रतन केवट। अच्छा, वही देखते थे, वही देखते, अच्छा वही देखते थे, राम लगा इस पूरे शौचालय को देखते थे। और यहाँ पर जो शौचालय के लिए आते थे तो उसके लिए कुछ चार्ज लिया जाता था, जो शौचालय के लिए दो तीन रुपए चार्ज था, ज्यादा नहीं, तीन रुपए चार्ज था, दो तीन रुपए चार्ज था। तो जो जिनका जिनका इंतकाल हुआ राम लगन, वो बीएमसी के ही आदमी थे, आप बता रहे जैसे बीएमसी के लिए भी काम करते थे? अच्छा, वो देखभाल करते थे, यहाँ पर साफ सफाई करते थे, जिसका दो से नहीं, दो से तीन रुपया चार्ज जाता था। तो जैसे भाई बता रहे कि कॉन्ट्रैक्ट पे थे या नहीं थे, तो हमें तो लगता है कॉन्ट्रैक्ट पे ही होंगे, क्योंकि बीएमसी, तो बीएमसी ने कैसे दिया उनको?
बीएमसी ने कैसे दिया था? बीएमसी ने दिया, अगर बीएमसी ने नहीं दिया है तो बीएमसी की सबसे बड़ी चूक है, सबसे बड़ी लापरवाही है। और वो इसीलिए यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे क्योंकि वही रामनगर जो बता रहे हैं, इसीलिए वो साफ सफाई कर रहे थे, इसीलिए साफ सफाई कर रहे थे क्योंकि वो यहाँ पूरा संभालते थे, तो उधर टांकी में उतरे थे साफ सफाई के लिए। अभी और यहाँ आपको आगे का एरिया दिखाते हैं शौचालय का, इतना बड़ा हादसा हो गया, ये कोई छोटा छोटा हादसा नहीं है, पूरी दुनिया हिला देने वाला हादसा है। बताए कहा जाता है इस्लाम में कि अगर एक आदमी मरता है तो भैया पूरी कायनात मर जाती है, एक आदमी की जान की कीमत बहुत बड़ी होती है। तो इतना बड़ा हादसा जहाँ परिवार के 3 लोग मर गए, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत ही बड़ा हादसा है ये मालवनी अम्बुजवाड़ी का, जिसके ऊपर ये सिर्फ मुआवजा दे के काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर अगर जो जिम्मेदार है, जैसे बताया जा रहा है बीएमसी अगर जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई भी हो, और जो परिवार है उनको मुआवजा भी दिया जाए, जो उनकी लड़की है 16 साल की उसको सरकारी नौकरी दिया जाए, जो छोटा बच्चा है 9 साल का उसको भी देखभाल किया जाए। ये देखिए 20 साल की लड़की है उसकी, ये कचरा पीछे का निकाल दो, ये कचरा आप देख सकते हैं, ये राम रतन ने यहाँ पर ये साफ सफाई के दौरान ये निकाला था, काफी मेहनत किया था। बताया जा रहा है कि पहले पानी की टंकी पहले ये बीएमसी के पास गए थे, बताया जाता है कि लेटर भी दिए थे कि यहाँ की साफ सफाई हो, लेकिन बीएमसी वाले ने ऐसा आरोप लगाया गया कि भूखसेलों ने 5,000 रुपया मांगा, तो उन्होंने खुद चाहा कि मैं खुद साफ सफाई यहाँ पर करूँ, और साफ सफाई के दौरान ये हादसा हुआ, उनके 2 लड़के की जान गई और खुद राम रतन की जान गई है। यहाँ पर जब बताया जा रहा है कि भैंस आई थी और भैंस यहाँ पर फंस गई थी, भैंस मर गई थी क्या, बच गई, भैंस मर गई थी, वापस एक बच्ची भी एक्सपायर हो चुकी थी। मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चलाना चाहते हैं, लेकिन मालवनी में कहीं भी आपको देश में मालवनी के कहीं भी कोने में आपको स्वच्छ भारत अभियान नहीं दिखेगा, बहुत ही बदबू और गंदगी इसे ये एरिया जा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं शौचालय ये भी काफी जर्जर हालत में है, क्या मालूम किस तरह का ये शौचालय बनाया गया है, कंडीशन का हॉल है, मरम्मत नहीं कुछ ही नहीं है, जो गंदगी गाय जो आई है यहाँ से ये दिखाई, ये देखिए आप, ये जो पूरी ये जर्जर हालत में ये बताया जा रहा है, पूरा ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जर्जर हालत में है, और जगह जगह गंदगी गड्ढे चूहे ने लगता है यहाँ पे गड्ढे के वहां पे, तो कुछ मरा हट जावा वहां से, क्या बात है, चूहा मरा, चूहा कितनी बदबू है, शायद अब थोड़े दिन के बाद मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा यहाँ पर आने के बाद, इतनी गंदगी है। इधर पे साफ सफाई करना चाहिए, लोगों को सुविधा देना चाहिए, बराबर कानून तो सिर्फ झोपड़ा तोड़ने पर ही दिखाया जाता है कि झोपड़े बने हैं उसको तोड़ दो, उसी के लिए कानून है, लेकिन जो साफ सफाई जो जनता को बेसिक मूलभूत सुविधा देना चाहिए उसके लिए यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है, ना कचरे की ना शौचालय। हादसे के बाद जो परिवार की जो जिम्मेदारी बनती है बीएमसी की या किसी जनप्रतिनिधि की, उस परिवार को पूरा उसका देखभाल किया जाए, उसको जो उसको सरकारी नौकरी दे रहे, यहाँ ऐसे जनता की मांग है। टाइल्स देखो, कोई ऊपर की टाइल्स टूटी हुई है, ये दरवाजा देखो भांडा फूटा हुआ है, यहाँ पे जो कॉलेज मैं सीएल जॉन बोल रहा हूँ, वो दोनों तीनों बाप बेटे यहाँ बहुत मेहनत करते हैं, बाथरूम चलाते हैं और साफ सफाई करते हैं, और बीएमसी को वो लोग ने कंप्लेन भी किया कि बाथरूम साफ किया जाए, लेकिन बीएमसी ने अमाउंट की डिमांड किया, पैसे की डिमांड किया कि 5,000 दोगे तो हम साफ करा के देंगे, तो उन्होंने बोला 5,000 देंगे, 5,000 कमाए हैं नहीं तो कहां से देंगे हम, आपका ड्यूटी है आपको करना चाहिए, बीएमसी का अंडर में है ये, नहीं तो अभी तो कुछ लोग बता रहे हैं नोटिस लगाया कि नोटिस भी लगाया था तो वो उखाड़ दिया, अभी जब से ये तीनों का हो गया, नोटिस इस चीज की है कि भाई ये साफ सफाई करके देंगे,
आपने पढ़ा नहीं थे? मैंने पढ़ा नहीं हूँ, देखा खाली है। कौन ध्यान दे तो ऐसा हादसा हो जाएगा। अगर ये जो शौचालय चालू था ये बीएमसी द्वारा चालू था या लोगों ने यहाँ पे इसको चालू कर दिया था? बीएमसी कहती है अगर बंद किया, लोग कहते हैं नोटिस लगा के बंद था शौचालय। कोई बंद नहीं था, कोई बंद नहीं था, कोई बंद नहीं था। अभी तीन दिन पहले तक तो हम देखे थे कि यहाँ चालू था, और ये तीनों बाथरूम बंद है। टॉयलेट तीनों टॉयलेट बंद है। बीएमसी का काम है कि नहीं? ये सबसे हो गया है आठ साल, सात साल हो गया, सात आठ साल हो गया है। और तब से जो है ये दो तीन साल चली है, इसके बाद बंद ही है। ये बीएमसी वाले ना दवा लगाने आते हैं, ना इंक्वायरी करने आते हैं। तीन साल से बताया जा रहा है, तीन साल से यहाँ पे तीन बड़े शौचालय है, बड़े बड़े शौचालय, लेकिन वो बंद है। क्यों बंद है इसका जवाब बीएमसी को देना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पर शौचालय की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तीन जो शौचालय है वो बंद है और कई सालों से बंद है। क्या क्यों बंद है, उसकी कोई वजह अभी तक वजह कुछ मालूम पड़ी है? वजह क्या? साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई तो करना चाहिए, साफ सफाई तो हम भी देख रहे हैं। यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है और जो शौचालय के इर्द गिर्द आप देखेंगे तो इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है। एक चूहा भी मरा हुआ है, बहुत बास आ रही है और खड्डे वहां पर जगह जगह गड्ढे है। तो साफ सफाई तो इनको नहीं चाहिए। ये शौचालय दिख रहा है, दूसरा शौचालय किधर? आगे दो है, एक तो चार साल से बंद है। चार साल से बंद है लास्ट वाला। बीएमसी को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है सॉल्व करना चाहिए। बीएमसी में आठ साल से जब ये शौचालय बंद है तो क्यों बनाया गया शौचालय? बनाया गया तो आठ साल से बंद क्यों है? इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और जिम्मेदार लोग बीएमसी की। अगर ये चूक है तो जरूर बीएमसी की चूक है, इसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। शौचालय है थोड़ी दूर आगे पर, और यहाँ भी आप देख सकते हैं जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। ये कचरा पड़ा हुआ है, ये दूसरा शौचालय है, और तीसरा शौचालय आप देख सकते हैं वो आगे बना हुआ है। बताया जा रहा है कि तीनों शौचालय यहाँ पर जो बनाए गए हैं आज का उसे तकनीक आज तक बना हुआ है शौचालय, लेकिन ये बंद है यहाँ पर। ये देखिए मोटारी है, हालत देखिए, ये बाथरूम की मोटारी बताया जा रहा है। देखिए किसकी हालत में, यहाँ पर पूरा जाला लगा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है और इसकी भी हालत एकदम जर्जर होती जा रही है। ईटे दिख रही है, ये देखिए पूरा फुल जूम चुका है। ऐसा लग रहा है कि साला रेगिस्तान में है। देखिए ये गंदगी से ये बना हुआ दलदल है। यहाँ पर अगर कोई फंसता है बच्चा तो निकलना बहुत मुश्किल है। अगर खेलते हुए यहाँ पर जब बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, तो देख सकते हैं बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई घुस जाए तो पैर फंस जाएगा, हादसा भी हो सकता है। अभी भी कुछ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरह का ये दलदल नजर आ रहा है, गंदगी है। साफ सुथरा है, ऐसा नहीं है, ये लास्ट है। ये पूरा कारगिल एरिया है। हाँ उसको भी कारगिल, हाँ कारगिल ही बोल। कारगिल एरिया में तीन शौचालय बने हुए और तीनों अभी फिलहाल बंद। ये जो बाथरूम बना, तीनों बाथरूम कैसे बना? खारा पानी से बना है। आपने देखा था बनते हुए? हाँ तो बोरिंग था ना, पहला बोरिंग करके दिए थे। यहाँ पे बोरिंग करके कितना साल हो गया बन गया? वो हो गया कम से कम 15-16 साल तो हो गया। हो गया 2018 में बना था ना, यह उद्घाटन हुआ था। 8 साल हो गया, 18 में बना था। हाँ 18 में उद्घाटन हुआ था, चालू हुआ था, मतलब 15-16 से शुरू। हाँ मतलब 5-6 साल हो गए, 8 साल हो गए।
तो ये जो बना था तो कैसा उसका स्ट्रक्चर मतलब अच्छा बना था या कैसे बना था? जब भी तो अच्छा बना था पर वो खारे पानी से ना पूरा डैमेज हो रहे हो, इसलिए मैं बंद रखी हूँ मेरा बाथरूम और मैंने लेटर कभी से बंद है वो तो 3-4 साल हो गया बंद है पूरा टूट फूट गया है। लेटर डाली हूँ मैंने, लेटर रखे मेरे पास में, कितने लेटर डाली हूँ अभी तक कोई सुन कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ये बीएमसी जो है ये काम करते थे लेकिन मेंटेन नहीं करते काम हो जाता है क्या? सही बात है कि हाँ झाड़ने झाड़ने नहीं आते हैं, बना देते हैं जिम्मेदारी देते वो कितना करेंगे कैसे भी बना देंगे। बस 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 आधा पैसा अंदर आधा पैसा काम पे भारी पड़ता है। तो बीएमसी किस लिए है? मेंटेन करने के लिए बीएमसी है ना। तो बीएमसी क्या करती है? मक्खी भगाती है बीच में, पहले पगार गिनती करते हैं लोग, सैलरी कब होगा, बोनस कब मिलेगा, यही सोचते हैं लोग, बैठे रहते हैं ऑफिसर लोग सब। कहा जाता है बहुत ही भ्रष्ट गवर्नमेंट सरकार चाहिए, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट गवर्नमेंट नौकरी पाने के बाद क्या करते हैं? यही करते हैं। देखो पब्लिक के लिए सोचते नहीं, पहले बोलेंगे हम पब्लिक के लिए बहुत करेंगे, नौकरी पाते ही पब्लिक चेंज हो जाते हैं, लोग एसी से निकलते ही नहीं है। क्या गवर्नमेंट नौकरी इनको सबको गधा बना करके नौकरी दिलवाओ ये लोग को प्राइवेट कंपनी में, तभी इनको मालूम पड़ेगा गवर्नमेंट सर्विस की वजह से ये लोग काम नहीं करते हैं। उनको पता है गवर्नमेंट पगार देगी हमको, सैलरी देगी किसी भी हाल में। शिक्षा की भी यही हाल है, गवर्नमेंट इतना सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलप के लिए इतना पैसा देती है, ये काम करते ही नहीं है, गवर्नमेंट को बदनाम करते हैं ये ऑफिसर लोग गवर्नमेंट को बदनाम करते हैं। गवर्नमेंट सब कुछ देती है, गवर्नमेंट भेजती भी है, सेंक्शन भी करती है, लेकिन ऑफिसर काम नहीं करते हैं। बाथरूम बंद है यार, इतने बड़े बड़ी बस्ती है, ये जाएंगे किधर? जंगल में, उनके ऑफिस में जाकर के टॉयलेट करना पड़ेगा बीएमसी के। लगभग यहाँ पे 3-4 लाख है, ज्यादा ही होगा। हाँ ये गिनती का बोल रहा हूँ, बाकी तो ज्यादा हो सकता है जो अनगिनत है। बस रिक्शा इसलिए बस्ती से चल रही है, बिल्डिंग वाला बस्ती 40-50 हजार है, तो उनके 3-4 बच्चे समझो एक परिवार में, 5 लाख से कम नहीं है। ये जाएंगे किधर? अभी 3-3 टॉयलेट पूरा बंद है, फिर भी बीएमसी का कान में झूले ये रेंगता है। बच्चे पढ़ाई करने कहाँ जाते? पढ़ाई करने के लिए जाते हैं अपना कला विद्यालय 8 नंबर 7 नंबर या कुछ प्राइवेट स्कूल है उसमें भी एडमिशन देते हैं, इतना दूर कौन भेजेगा? यहाँ स्कूल नहीं है गवर्नमेंट का, कोई नहीं गवर्नमेंट का स्कूल होना चाहिए, ना हॉस्पिटल है, ना चौकी है, ना कुछ है। चौकी छोटा सा वो हमेशा बंद ही रहता है, हमारा चालू रहना चाहिए क्योंकि पुलिस जो है जरूरी है पब्लिक के लिए। हाँ कुछ नहीं है, ना हॉस्पिटल है, ना कुछ है। चाहते हैं कि इनकी लड़ाई होनी चाहिए, है दुनिया इनका उधर चाहिए, दुनिया उधर चाहिए, कहीं लड़ाई होना चाहिए। एक नहीं दो नहीं बहुत लड़ाई है। अभी ये बच्ची है, एक छोटा बच्चा है, अभी ये लड़ाई कर लड़ाई होना चाहिए। बाथरूम में से निकला था और दूसरा बच्चे के खून यहाँ से पूरा निकला था, तीसरा तो वही खत्म हो गया था जगह से, पूरा भरपाई देगी नहीं तो हम लोग सुबह रो करेंगे। बीएमसी वाला एक वोट नहीं मिलेगा, एक वोट नहीं मिलेगा, यहाँ से एक वोट नहीं मिलेगा, ना कांग्रेस आचा गर्मी ना कांग्रेस वोट नहीं मिलेगा, वोट किसी भी नहीं देंगे, वोट किसी भी नहीं देंगे। बीएमसी वाला जब तक घर पे नहीं देगा हम लोग कुछ नहीं, हम लोग छोड़ेंगे। बीएमसी